वेलकम बैक टू ईशा यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो फाइनली जी, टुडे इज अ न्यू डे, न्यू ब्लॉग फॉर यू गाइस। आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब कशिश जा रही है लंदन, और बहुत सारी दुआएं उसके साथ। दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक टाइम था जब मैं कह रही थी कि आज वन मंथ पड़ा है, वन वीक पड़ा है, और दो दिन पड़े हैं, और आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि वाकई वो जा रही हैं। बस उसके साथ उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला उसे खुश रखे। और वो सुबह से इमोशनल है, पिछले काफ़ी दिनों से वो इमोशनल है, लेकिन आज वो हर थोड़ी देर बाद इमोशनल हो जाती है। कोई बात करती है तो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज इस घर में लास्ट डे ऐसा इस तरह से है कि अब उसकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो अब वो जा रही है, तो अब पता नहीं कब वापस आएगी। तो बस इस वजह से, बाकी बस अब हमारे लिए, हमारी तरफ से उसके लिए अच्छी सी बहुत सारी दुआएं हैं। फिलहाल अभी हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कशिश ने आज ट्रैवल करना है। कशिश की आज की रात की फ़्लाइट है, और उसका ड्रेस अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि उसने क्या पहन के जाना है। तो वो अभी जा रही है बाहर ड्रेस पिक करने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो ड्रेस पिक करेगी उसको मैं लेकर दूंगी। उसको गिफ्ट भी तो बनता है मेरी तरफ से। सो अभी हम चलते हैं, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। हमेशा की तरह ईशा सबसे पहले रेडी होती है, क्योंकि आपके लिए हमेशा वीडियो बनानी होती है मुझे, और आपको बताना होता है हर चीज़। हम बस निकलते हैं, आज की जो जो रूटीन होगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सो अभी चलते हैं, लेट्स गो। हम तीनों घर से निकल आए हैं, और आज हम लास्ट डे है, और हम तीनों भी घर से निकले हैं, क्योंकि मम्मा के पास अभी टाइम नहीं था। तो हम कशिश की चीज़ें लेने के लिए सिर्फ हम तीन हैं। कशिश पीछे बैठी हुई है और हम दोनों आगे बैठे हुए हैं। कशिश, क्या फीलिंग्स है? अच्छी तो नहीं है फिलहाल, आई एम वेरी इमोशनल। You are very emotional. We are also very emotional because तुम जा रही हो आज, but इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, और तुम देखो हम आप बहुत enjoy करोगी। इंशाल्लाह। भाई ये दोनों अंदर कहीं हैं अभी। इन्हें कुछ लेना है अंदर से। मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं इनका वेट कर रही हूँ। मुझे उतरना नहीं, मुझे सीट बेल्ट उतारनी पड़ेगी, और अभी मेरा मूड नहीं है। हम अभी ब्रांड्स पर आ गए हैं, आउटफिट ब्रेकआउट पे, सॉरी अभी आए हैं हम। ये मैं हूँ, ये कशिश है। कशिश ये लास्ट शॉपिंग है इस ईयर की, और नेक्स्ट ईयर की भी। शॉपिंग तो नहीं, लास्ट मोमेंट है इधर ब्रांड्स। हाँ ये सही। कशिश ये लेके जा रही है, मैं अभी पहन के ट्राई करके आऊँ, फिर देखते हैं। ये ट्राई करके आती हैं, एंड देन देखते हैं कि कैसा लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे एक काम करना, मैं कह रही हूँ पकड़ो, मैं ताकि अंदर जाऊँ। दिखाओ कि बट्टू में सारे मोबाइल मेरे हाथ में हैं। ये कशिश का है, ये जोहा का है, मेरे पास मेरा खेल है। मैंने ऐसे दुपट्टा लिया हुआ जैसे स्कूल की बच्चियाँ नहीं लेती इस टाइम। अच्छी लग रही है, ठीक लग रहा है, बस ज़्यादा वाव नहीं है। ठीक है कशिश, पसंद आया ये वाला? देखो मेरे सफ़र का आगाज़ तुम्हारे गिफ्ट से स्टार्ट हो। क्या? मेरे सफ़र का आगाज़ तुम्हारे गिफ्ट से स्टार्ट हो। एक मक्खन लगा लिया, थैंक यू। इसे मक्खन ले लिया? हाँ मेरे पास है। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं, अब हम घर जाना है या कहीं और? बस वही लेना है, उसके बाद हम घर जाएंगे। उसके बाद फिर हमें डिनर के लिए जाना है आज। कशिश ये हमारी सारी मेमोरीज है, पहुंचेंगे ऑफिस। अभी घर आए हैं, मैं रेडी हूँ, जोहा भी रेडी है, बाकी सब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मम्मा हमारे साथ नहीं गई थी। ये रेडी होंगी मम्मा, और अब हम जाएंगे डिनर करने के लिए, और डिनर करते ही उसके बाद हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि कशिश को हमने ड्रॉप करना है। उसके बाद जी वहाँ से कशिश चले जाएंगे लंदन। सो यस, बस हम रेडी हैं, बाकी सब रेडी हो रहे हैं, जैसे ये रेडी होते हैं निकलते हैं। इसका लगेज वगैरह बाहर आ रहे हैं, वो डैडी लेकर आ रहे हैं। ये देखें जी, बस अब नहीं
चलें रेडी जी। जय मामा, आपके साथ मैचिंग भी हो रहा है, मैच मैच हो रहा। डैडी लेके गाड़ी में रख रहे हैं लगेज। मम्मा सैड हो रही हैं, क्या कह रही हैं आप? ओह सैड नहीं हो मामा, नहीं हो। आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। आपकी एक बेटी है, दो बेटियां हैं दूसरी तो बस बुशा मामा गई, दूसरी तो बस ये मैं। चलिए जी गाड़ी में बैठी जी। डैडी जी मैं गाड़ी दूसरी गाड़ी में आती हूँ, आप इधर। मैं किस साथ जा रही हूँ? आप डैडी जी के साथ जा रही हैं? मुझे नहीं पता, जैसे बोलोगे मैं वैसे कर लूंगी। आपने किसके साथ जाना है? आपके साथ ही चली जाती हूँ। आप मेरे साथ आ जाए, बच्चों को आ जाए, आप लोग डैडी के साथ जाए, मम्मा मेरे साथ आएंगे। चलिए जी मम्मा को अपने साथ रखते हैं। गाड़ी की चाबियां किसके पास है? छोटी गाड़ी की अरे कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ उधर तुम्हारे पास। भादर बन के जाना, भादर बन के चलो। कौन रो रहा है, रो क्यों रही हो हैं? इतनी अच्छी दुनिया अपनी अपनी लाइफ जीने जा रही हो तुम, तो तुम्हारा ड्रीम पूरा हो रहा है। आप भी रो रही हैं अम्मा, क्यों? नहीं ऐसे। चलो यार हैप्पी हैप्पी जाना है, अभी हमने जा रहे हैं। हैप्पी हैप्पी रहो, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारो। मैं यही बोल सकती हूँ अभी ये टाइम। आई नो दैट कि तुम्हारे ऊपर गुजर रही है, तुम्हें पता है कि कैसा है इस टाइम फीलिंग्स तुम्हारी, बट ये मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, इस वजह से ज़्यादा सैड हो रही है ये। अच्छा चलो यार, चलो आओ अभी गाड़ी में बैठो प्लीज प्लीज। तो गाइस अभी हम आए हैं शाहजहाँ, नहीं शिमला चाइनीज, सो मैं शाहजहाँ ग्रिल कह रही हूँ। ओके सो गाइस ये लोग अब आ गए हैं, जो कि कह रहे थे हम पहले आके ऑर्डर देंगे, बट लेट हो गए क्योंकि कशिश के लिए जो हम गिफ्ट मैंने लिया था वो थोड़ा सा साइज में, उन्होंने हमें साइज गलत दे दिया था, जिसकी वजह से अब हम एक्सचेंज करवा रहे हैं साइज। सो गाइस मैंने अभी अभी एक चीज़ फील की है और ये मैंने नोट भी किया है, जब से जुहा आई है ना तो हमारी पूरी फैमिली जो है कम्प्लीट है, और आज ये लास्ट मेमोरी है। मतलब लाइक इस तरह से कि कशिश भी है, जुहा भी है, ज्यान भी, बुशरा भी, मेरे डैडी भी बैठे हुए हैं, मम्मा भी हैं और साथ में मैं भी हूँ, हम सब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अब पता नहीं हम कब इकट्ठे होंगे एक साथ, बट इंशाल्लाह जल्दी इकट्ठे होंगे। ये बस थोड़ी सी मेमोरीज हम बना रहे हैं, अभी सूप आया सूप लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए डैडी जी आप डालें पहले। अभी अम्मी फूड आ चुका है हमारा, बहुत भूख लगी हुई है। आप पहले खाते हैं राइस एंड मंचूरियन, उसके बाद आपसे मिलते हैं। Yes. सारे वीडियोस बना रहे, सब सब सब, मेरे डैडी नहीं, डैडी सिर्फ वेट करते हैं बेचारे। कशिश अब हम निकल रहे हैं, क्या फीलिंग है एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं? एयरपोर्ट पे तो हम कैसे से ज़्यादा देर मिल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा। तो अभी मिल ले, बात कर ले, जो कर ले क्योंकि बाद में टाइम नहीं। एक्साइटेड भी हूँ, ग्रेटफुल भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, मिक्स फीलिंग्स हैं, बट आई होप फॉर द बेस्ट। टाइम अभी की लाइन बार बार रिपीट करी जा रही है, समथिंग न्यू भी बताओ। तुम उसकी फीलिंग्स को बोलने दो, तुम तो हर चीज़ में, नहीं तुम अपनी टांग अड़ानी हर जरूरी होती है हर चीज़। बाकी मैं फील करी मैं वही बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से झूठ बता नहीं सकती। और कोई ये ना ये चाहती है कि सिर्फ ना मेरी सुनी जाए, ये इतना बोलती है हर किसी के दरमियान में। कल मेरी सबने स्टोरीज देखी थी, उनको पता चल गया होगा कौन बोलता है। अच्छा जी आप बोलती हैं, आप बोलें कशिश। बस यही कहना है, आपका बैग बहुत प्यारा लग रहा है, हम लेट हो रहे हैं, आप खुद भी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप मैं इतना कहूँगी कि जो ईशा के सब्सक्राइबर्स हैं काइंडली मेरे लिए दुआ करें जितनी हो सके, चले और
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं ईशा के ब्लॉग में आऊंगी तो आप नहीं आएंगी अभी एक डेढ़ साल तक नो एक डेढ़ साल बाद लेकिन मेरे में थोड़ी सी चेंजेस आनी चाहिए मैं चाहती हूँ लेकिन लगता नहीं है ये मेरे बस ठीक है ये मेरे पल्ले पड़ने वाली है एक्सक्यूज मी मैं आपके पल्ले पड़ने वाली हूँ या आप मेरे पल्ले पड़ने वाली आप मेरे पल्ले पड़ने वाली आपके पास ये अभी से आपको पता चल गया कि स्टार्ट हो गई है इसके बाद उनके पास ऑप्शन है ये चाहे तो मैं इनके पल्ले भी नहीं पड़ूंगी ये भी मेरे पल्ले नहीं पड़ेंगी सो लेट्स सी ये जज्बाती हो रही है गाइस दोहा जज्बाती नहीं हो रही अब आपके ऊपर है ना देखते हैं अगर आप पल्ले नहीं पड़ना चाहती मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा लड़ना नहीं है अब हमने यहाँ डिबेट भी स्टार्ट करनी थी इनकी लड़ाई हो जाएगी इस बात पे चले अब हम बंद करते हैं स्कैम देखो अब हम यहाँ से निकलते हैं कभी कोई हार नहीं मानता ना बिग बॉस में ना तमाशा में सो इस दुआ कह रही मैं भी हार नहीं मानूंगी साइमा ये हमारी कैसे करती है वो ये नहीं करती है वो क्या कहते सो गाइज इस गाड़ी में मैं और जोहा है आगे वाली गाड़ी में वो देखें जी डैडी है और हम दोनों इधर बैठे हैं क्योंकि सब डैडी कशिश कह रही थी कि मैंने डैडी और मामा के साथ बैठना है तो हमने कहा क्यों नहीं और छोटे बच्चे भी मामा और डैडी के साथ बैठ गए हमने कहा कोई ऐसा इशू नहीं है सो इसलिए हम दोनों साथ हैं अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट कशिश को छोड़ने के लिए यस जोहा कुछ कहना चाहती हैं आप अभी आपसे ड्राइव कर ले बाद में हम कह लेंगे क्योंकि अभी मुझे मेरी जान बहुत अजीज है मैं रिस्क नहीं लेना ओके जी हम गाड़ी इस आराम से ड्राइव कर लें डैडी क्योंकि आगे से मुझे देख रहे हैं कि पीछे देखें ये व्लॉग बना रही हैं डैडी ने मुझे गाड़ी रोकेंगे डैडी हम आपसे बात करेंगे बाय बाय मैं कुर्बान एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं ये देखें जी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और डैडी की गाड़ी आ गई है हम पीछे हैं ये है जी आज काफी रश है उसे इतना ज्यादा नहीं क्राउड था आज काफी ज्यादा है ना बस अंदर भेज दो फिर जल्दी से अच्छा नहीं है, रुकना नहीं है फिर कशिश ने अंदर इनके पास एक ही लाइन है फिर कशिश को जल्दी अंदर भेजते हैं जल्दी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं उसको फिर करते हैं जी टाटा बाय बाय क्योंकि आज कशिश जा रही है ना इसलिए आप हेल्प करवा रही हैं डैडी के साथ कशिश यू लुक सो नाइस कशिश कैरी बुरा लग रहा है ना ऐसे डबल डबल कोई बात नहीं अभी तो अभी जस्ट अपनी चीजों को कैरी कर लो उसके बाद ना रिलैक्स हो जाओ ना फिर उसके बाद देख लेना कैसी लग रही है कोट को भी सही पकड़ो हाँ कोट को भी सही करो मल्ली मल्ली बन गई है छोटी है ना अभी छोटी सी मेरी बेटी जा रही है मेरी तो गोद से नहीं निकलती थी ये कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी रख लो अब रोना नहीं है बिल्कुल नहीं रोना मैं भी नहीं रो रही हूँ मेरा दिल ये कहे मैं गाना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ प्लीज इग्नोर माय वॉइस मुझे भी पिक्चर्स चाहिए अंदर जाके ले लेते हैं ना नहीं पीछे से इंटरनेशनल का दिखा रहा हूं ज्यादा अच्छा लगता है जैसे उस दिन यहां से लिए है ना हमने जोहा कैसे जा रही थी जोहा की मुझे याद नहीं है कि पहले दिन इसने ये जब जा रही थी इसने क्या ड्रेसिंग की थी अब मुझे याद ही नहीं है हाँ याद आ गई अब कशिश ला 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 जोहा मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना तब बहुत ज्यादा रोना आ रहा था लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र हम यूज्ड टू हो गए हाँ जी डैडी जी ओ माय गॉड माशाल्लाह बनाओ यहाँ पे डैडी जी यहाँ पर सब यहाँ की यहाँ पे खड़े हो जाए पिक्चर बनाती हूँ जोई यहाँ पे खड़े हो मैं पिक्चर बनाती हूँ
चले यहाँ पर इनकी पिक्चर बना दूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, ला शादी फोटोग्राफर इनके आउटफिट के साथ। ये देखिए जी कशिश आते हुए, कशिश जा रहे हो, तुसी जा रहे हो, तुसी जा रहे हो पाकिस्तान, बाय बाय पाकिस्तान, अंटिल नेक्स्ट टाइम। डैडी जी आपकी बेटी जा रही है, अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक ने सारा वसीला बनाया, अल्लाह पाक बिल्कुल ऐसा ही है। आगे लिखा है ना नंबर्स, लिखा जोहा नहीं छुप हो सकती, कभी नहीं छुप हो सकती है, ये नहीं छुप हो सकती है ना ध्यान, हमारे फ्लाइट वाला नंबर जोहा आप नहीं छुप हो सकती कभी यार, तो समझा रही हूं। देखो ना कितना रश है, आप लोगों को हाँ जी, इधर तो वैसे ही आए थे हम, अल्लाह ने तुम्हें खुश रखे, कामयाब करे, आमीन। मुझे लोना नहीं आला, थोड़ी सी ब्रेक के बाद घबराना नहीं, कोई प्रॉब्लम हो, 2 वीक्स के बाद मिलना, 2 वीक्स के बाद मिलना है जोहा के साथ। ठीक है ठीक रहना, मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है, काम नहीं करने देना दोनों ने। कशिश खुश खुश ही जाओ, इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। कशिश इधर 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 जाओ जाओ जाओ, कहाँ है कशिश, नीचे से नजर आ कहीं पर सब चले। गाइस कशी जा चुकी हैं, बुशी क्या फीलिंग्स हैं? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कुछ कशिश के बारे में कहना चाहोगी? हाँ ये कि मेरी दोनों बहनों में से क्लोज थी वो, ठीक है, तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा क्लोज थी वो, तीनों बहनें तो नहीं है, दो तीन है, हम दो हैं और वो तीसरी, तीनों बहनों में से क्लोज थी वो। अच्छा समझ आएगी, ठीक है, और यस अच्छी थी, अच्छी थी, दुनिया में ही है वैसे वो अच्छी।
चीटी क्या बंदा जोई के बारे में इतना ज्यादा रोई और कई दिन के बारे में एक आंसू भी नहीं गिरा जोई के बारे में दूसरी दफा रोई थी नहीं नहीं पहली दफा इतनी ज्यादा रोई थी दूसरी दफा भी बहुत ज्यादा आप जाके व्लॉग देख लें चुप मैं बोलूंगा चलो मम्मा जी क्या कहना चाहेंगी आप कशिश के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा कामयाब करे और उसको स्ट्रॉन्ग बनाए और बिल्कुल परेशान ना हो ना ही उसकी लाइफ में कोई परेशानी आए वो हर चीज़ इतना इजीली करे और ब्रेव रहे हर मामले में मैं बस यही चाहती हूँ कि वो कामयाब होकर आए और उसकी स्टडी बहुत अच्छी हो सक्सेसफुल हो हर मामले में हर कदम पे मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं मैं उसे मिस करूँगी और हम तो खैर बात करते रहेंगे लेकिन अल्लाह ताला बस मेरी दुआएं उसके साथ हैं अल्लाह ताला उसे कामयाब करे मेरी ये विश है कशिश के बारे में डैडी कुछ कहें कशिश हमारी बहुत प्यारी है सीधी सादी और अल्लाह लोकनी बेटी है देखा लोग भी पता था ये बोलना है तो इसलिए हम उसके लिए उदास हैं अल्लाह ताला खैरियत से जाए अपने मकसद में कामयाब हो वहाँ आला मुकाम ले पढ़ाई में भी और वैसे भी आमीन बहुत अच्छी बच्ची है हमारी थैंक यू जोहा जोहा कशिश के बारे में से समथिंग बहुत बदतमीज हो ये तो है ही बदतमीज लड़की हमारे घर में जाने है उसके पास बुश जानू से समथिंग मेरी बारी आ गई ऐसे जाएगा जहाज ऐसे ही जाते हैं सारे जहाज यहाँ से जाएंगे ना पीछे से सारे जहाज ऐसे ही जाते हैं एक सेकंड के अंदर जहाज यहाँ से यहाँ होता है हमें पता है बैठी नहीं हूँ जहाज में मैं भी अच्छा बताओ ना कशिश के बारे में ओके मैं कहना चाहूँगा कि कई दिन बहुत अच्छी सिस्टर थी मेरी बहुत अच्छी सिस्टर थी मतलब हैं और मतलब वो मेरी केयर बहुत ज़्यादा करती थी डांटती भी थी लेकिन मुझे पता वो इसी वजह से डांटती थी कि मेरी केयर के लिए वो डांटती होंगी मुझे पता था मैं बदतमीजी नहीं करता था और वो मेरी इतनी अच्छी टीचर भी थी अब तो बुशरा आ गई पता नहीं क्या होगा लेकिन कई दिन बहुत अच्छी थी और मैं भी मिस करती थी चलो मैं घर जाके बताऊँगी कुछ नहीं बोला जोहा तुमने कुछ नहीं कहना क्योंकि इसने उसके पास चले जाना है 2 वीक्स बाद इसलिए कुछ नहीं कहना है ना वाकई जोहा वाकई बहुत बुरी हो ऐसे तुम कुछ नहीं कहना सच में इधर मुंह करके बोलो जोहा जोहा डैडी कह रहे इंग्लिश में कहना चाहती हो इधर मुंह करके बोलो Nothing. Say something, Zoha. Say something, something. Pause, Zoha. Something. Okay, bye. Zoha की बात सुनी है आपने? Zoha कह रही है कि ना हम कल ऐसे मैच हम सब साथ इंशाल्लाह जा रहे हैं। नहीं कुछ और बोला। क्या बोला? कह रही जो बहराम पहना ना तो बस हरकतें नहीं करनी बस। अल्लाह ताला सलाम दे। कितनी झूठी हो यार। कैसी झूठी है यार। अच्छा कैसे कैसे जाना है मेरे साथ? तो गाइज मैं कशिश के लिए घर जाके कुछ बोलूंगी अभी मैं गाड़ी में बैठने लगी हूँ ये नहीं मेरी गाड़ी खड़ी है मेरे डैडी की गाड़ी खड़ी है सो अभी हम गाड़ी में बैठते हैं और 5 मिनट बाद जहाज के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे शुक्रिया सो अभी हम भी गाड़ी में बैठते हैं और घर जाके आपसे मिलते हैं सो फाइनली जी वी आर एट होम कशिश को हम एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे हैं अभी उसकी कॉल आई हुई थी सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उसने सबमिट करवा दिया है अब वो बिल्कुल रिलैक्स थी मतलब लाइक हैप्पी भी थी सो मेरी तरफ से उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं अल्लाह ताला उसे सक्सेसफुल करे खुश रहे हमेशा वो अभी कुछ टाइम के बाद जोहा भी चली जाएंगी फ़िलहाल अभी कल फैमिली मेरी जा रही है उम्रे पे सो जैसे वो वापस आएंगी जोहा यहाँ पे 1 वीक रहेगी देन वो भी चली जाएगी लंदन वापस फ़िलहाल अभी उस कशिश वहाँ पर अकेली होगी बाकी ये कि बस खुश रहे कामयाब अल्लाह ताला उसे करें और बस यहीं तक था और अभी वो बहुत इमोशनल थी बट वो हैप्पी हैप्पी गई है हम थोड़ा उदास ज़्यादा हो गए हैं बट ये लाइफ था ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं और मैं अपनी हर एक खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थम्स अप आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़